हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे, हमारे पास हमारी क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट सेट्स, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसका ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 5 अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 से इसको स्टार्ट करेंगे कि हमें उसके अंदर आगे क्या करना है क्या नहीं, वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको क्या दे रहा है ये। 2 में क्या है, लेट ए, आपको एक मैट्रिक्स सेट दिया गया, सॉरी, ए बी, और बी दिया गया एक सेट ए बी सी, ठीक है। ए सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट देखिए आपको ए बी दिखाई दे रहे हैं, और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी हैं। इन्होंने पूछा है इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यस ए इज द सबसेट ऑफ बी, हमारा आंसर बन गया। आगे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब आपको इन दोनों का यूनियन करना है, तो आप पहले ए के एलिमेंट देखिए, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या, सी, तो आपके पास ही हो गया। ये देखिए तीनों एलिमेंट्स आपके बी के ही हैं, सो इनका यूनियन क्या बन जाएगा, आपके पास बी बन जाएगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, आपको कह रहा है लेट ए बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द बी सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। अगर आपके पास सेम इसी क्वेश्चंस के बारे में कहें कि अगर आपके पास ए और बी, आपके पास क्या है, ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, सच दैट, इस प्रकार से हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो जो अगर आप ए यूनियन बी करेंगे, जैसे इसके अंदर था, अगर ए बी का सबसेट है तो उनका यूनियन किया, आपके पास बी आया, सो आंसर आपका क्या बनेगा, बी बनेगा हमारे पास। क्लियर, ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, इसमें आपके देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दो सेट दे रहा है ये, ठीक है, तीन चार चार सेट दे रहा है ए बी सी डी, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें जो वैल्यू निकालने के लिए कहा गया हम वो निकालेंगे। सबसे पहले हम चारों सेट लिख लेते हैं। ए सेट दे रहा है आपको, इसके अंदर एलिमेंट कौन से दे रहा है, 1 2 3 4, उसके बाद बी सेट, इसके अंदर एलिमेंट क्या दे रहा है आपको, 3 4 5 6, क्लियर, उसके बाद सी क्या दे रहा है आपको, 5 6 7 8, उसके बाद डी की सेट क्या दे रहा है आपको, 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद हम इसके फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, हमें इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं आपको वैल्यू निकालने के लिए, लगभग 6 7 पार्ट दिए गए हैं आपको, ठीक है, जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें कह रहा है ए यूनियन बी निकालनी, मतलब ए और बी का यूनियन ज्ञात करेंगे, तो ए के एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4, और एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, 5 और 6, ये आपका ए यूनियन बी बन गया, ठीक, क्लियर। सेकेंड देखिए इसमें क्या कह रहा है हमें, ए और सी का यूनियन करें, इसमें क्या होगा, ए के एलिमेंट लिख लिया आपने पहले, फिर सी में क्या चीज है, 5 6 7 8, ये आपके पास सी के एलिमेंट्स हो गए। एंड नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, इसमें हमें क्या कह रहा है, बी यूनियन सी करने के लिए कहा गया, तो आपने पहले बी के एलिमेंट लिख लिए 3 4 5 6, फिर आपने सी के एलिमेंट एक्स्ट्रा, 5 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बचा क्या, 7 और 8, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं, बी यूनियन डी निकालने के लिए कहा गया, तो आपने बी के एलिमेंट्स लिखे 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद डी के एलिमेंट 7 8 9 10, ये आपके पास हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, हमें कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों के एलिमेंट्स, इन तीनों का यूनियन करना है, आपकी मर्जी, आप पहले दो का यूनियन करके तीसरे के साथ कर दें, या तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 4, फिर एक्स्ट्रा एलिमेंट बी, फिर बी के लिखे 3 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बी के एक्स्ट्रा क्या हो गए, 5 और 6, क्लियर। फिर आपके पास हमने सी के एलिमेंट लिखने हैं, 5 और 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो आपके पास क्या बचे, 7 और 8, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो इसमें भी सेम आपके पास ऐसे ही, ठीक है, यूनियन निकाल रहे हैं आप, आपने सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखे, ठीक है, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 आपके पास, फिर बी के एलिमेंट्स 3 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 5 और 6, फिर आपके पास डी के एलिमेंट्स 7 8 9 10,
ये आपके पास ए बी और डी का यूनियन हो गया। एंड लास्ट देखेंगे आपके पास सेवंथ पार्ट में हमें क्या कह रहा है करने के लिए, हमें बी यूनियन सी यूनियन डी ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बी के एलिमेंट्स लिखे 3, 4, 5, 6, फिर सी के 5 और 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 7 और 8 लिखेंगे, फिर डी में 7 और 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 9 और 10 लिखेंगे हमारे पास। क्लियर, ये आपके पास बी यूनियन सी यूनियन डी आ गया आपके पास। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आगे हम जो देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या कर रहा है, ये हमें 4 सेट दे रहा है ऐसे ही ए बी सी डी, और उन्हीं के अकॉर्डिंग किसी में यूनियन किसी में इंटरसेक्शन, ठीक है, उन वैल्यूज को निकालने के लिए कहा गया है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम सेट लिखते हैं, ए सेट के एलिमेंट कौन कौन से लिख रहा है, हम देखिए इसमें क्या रहा है, 3, 5, 7, 9, 11 ये आपके पास होगी। एंड बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास, 7, 9, 11, 13 ये हमारे पास बी ए सेट के एलिमेंट्स होगी। एंड सी सेट के देखें 11, 13, 15 इसके 3 एलिमेंट दिए गए 11, 13 एंड 15। क्लियर, उसके बाद आपके पास डी सेट के एलिमेंट्स, ये हमें 2 एलिमेंट दे रहे हैं 15 एंड 17, आपके सारे के सारे ओड नंबर्स ही दिए गए हैं मोस्टली, ठीक है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें देखना है, इसके अंदर आपको 10 पार्ट दे रहे हैं, तो पहले पार्ट में देखिए आपको क्या कह रहा है करने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में कॉमन, 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13 तो कॉमन कौन से एलिमेंट हो गए, 7, 9 और 11 ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी तो बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15 तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हो गए, 11 और 13। क्लियर, एंड नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पार्ट, इसमें हमें क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी मीन्स तीनों में कॉमन, तीनों के अंदर देखेंगे आपके पास कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ए के अंदर 3, 5, 7, 9, 11 है, ठीक है, इनमें से देखेंगे कौन सा सी के अंदर है, सिर्फ 11 है सी के अंदर, और 11 लेकिन डी के अंदर नहीं है, तो तीनों में एलिमेंट्स कॉमन क्या हो गया आपके पास, खाली सेट एम्प्टी, ठीक है, 5 लिख लेंगे हम। एंड नेक्स्ट देखेंगे आपके पास फोर्थ पार्ट हमारा, इसमें क्या कह रहा है हमें, ए और सी का इंटरसेक्शन करने के लिए कह रहा है, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन मतलब ए और सी में कॉमन, अकेला 11 एलिमेंट कॉमन है आपके पास। क्लियर, एंड फिफ्थ पार्ट देखें, इसमें क्या रहा है, बी और डी का इंटरसेक्शन। क्लियर, इसमें देखिए आपके पास क्या आ रहा है, बी और डी का 7, 9, 11, 13 इसमें 15 और 17 है, इट मीन्स एम्प्टी सेट बन गया आपके पास, मीन्स 5 लिख लेंगे अकेला डायरेक्ट। एंड सिक्स पार्ट में देखिए आपको क्या कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन आपके पास किसके साथ, बी और सी के यूनियन के साथ, ठीक है, पहले बी और सी का यूनियन करेंगे फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी और सी का यूनियन करेंगे इसमें, तो बी और सी का यूनियन किया जाएगा, ठीक है, बी और सी का यूनियन, तो बी के एलिमेंट लिखे 7, 9, 11, 13 11 और 13 लिख चुके हैं तो 15 हो जाएगा आपके पास। क्लियर, अब आपके पास ए का इंटरसेक्शन करना है हमें बी और सी के यूनियन के साथ, तो ए आपके पास ये हो गया, बी और सी का यूनियन ये हो गया, तो दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन से बनते हैं, 7, 9 और 11 ये आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर, एंड नेक्स्ट देखेंगे सेवंथ पार्ट, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए वो देखेंगे, हमें लिख रहे हैं ए और डी का इंटरसेक्शन आपके पास, ठीक है, ए और डी का इंटरसेक्शन, तो ए के अंदर आपके पास 3, 5, 7, 9, 11 है और इसमें 15 और 17 है, तो इट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया आपके लिए, 5 हो गया। क्लियर, उसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट हमारा एट्थ पार्ट, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, एट्थ पार्ट के अंदर हमें बी और डी का यूनियन है जो, उसका फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो इट मीन्स हमें सबसे पहले बी और डी का यूनियन ज्ञात करना होगा, बी यूनियन डी, ठीक है, बी और डी का यूनियन 7, 9, 11, 13 और डी आपके पास 15 और 17। क्लियर, अब हमें क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन करना है
बी और डी के यूनियन के साथ, ठीक है। तो आपके पास इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ गए, ए आपके पास है, ये आपके पास बी यूनियन डी हो गया, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 7, 9, 11, ठीक है, ये एलिमेंट्स कॉमन हो गए, तो 7, 9, 11, क्लियर, ये आपका आंसर बन जाएगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे आपके पास आपका नाइन्थ पार्ट, इसमें हमें क्या कह रहे हैं करने के लिए, ए और बी के इंटरसेक्शन का बी और सी के यूनियन के साथ, ठीक है, ए और बी के इंटरसेक्शन का और बी यूनियन सी का, ठीक है, हमें आपस में इंटरसेक्शन करना होगा। ए और बी का इंटरसेक्शन आपके पास ये रहा, ठीक है, हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन, क्लियर, और बी और सी का यूनियन ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके हैं। तो अब इन दोनों के अंदर हमें कॉमन एलिमेंट्स देखने की कौन कौन से बनेंगे, तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो रहा है 7, 9, 11, 7, 9 और 11, ये आपके कॉमन एलिमेंट्स बन गए इन दोनों के बीच में, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे टेंथ पार्ट, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, ए यूनियन डी, ठीक है, और आपके पास बी यूनियन सी, बी यूनियन सी तो हमने यहां कर लिया, ठीक है, और ए यूनियन डी, ए यूनियन डी हमने ऑलरेडी अभी नहीं कोई भी किया, क्योंकि इसके पहले हमने जो यूज किया वो बी यूनियन डी किया, ठीक है, बाकी किसी भी जगह हमने ए यूनियन डी की वैल्यू नहीं निकाली, तो सबसे पहले हम ए यूनियन डी की ही वैल्यू निकालेंगे, ए और डी का यूनियन, तो 3, 5, 7, 9, 11, ये एक एलिमेंट लिखे, डी के अंदर 15 और 17 हो गए आपके पास, क्लियर। अब हमें करना क्या है, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो हमने ए यूनियन डी की वैल्यू ये निकाल ली है, ठीक है, और बी यूनियन सी की वैल्यू ये दी हमारे पास, तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे कौन से हैं आपके पास। कॉमन एलिमेंट्स क्या बनते हैं, 7, 9, 11 और 7, 9, 11, ये दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। इनको द्वारा, बी यूनियन सी को यहाँ द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है हमें, अगर हमें सभी पार्ट्स निकालने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप एक या दो पार्ट आते हैं आपको एग्जाम के अंदर, तो वहां पर तो वैल्यू आपको सॉल्व करनी ही करनी पड़ेगी, क्लियर। ये हमारे पास हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आगे देखेंगे हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आपको इसी प्रकार से चार सेट दिए गए ए बी सी डी, ठीक है, लेकिन बस वो हमें किस फॉर्म में दिए गए, आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिए गए हैं, हम उनको रोस्टर फॉर्म के अंदर अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उनकी जो हमें पूछा गया उनके अंदर वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर ए सेट में हमें क्या दे रहा है, ये ए सेट आपके पास बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, हमें कह रहे हैं एक्स टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मीन्स नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास, ठीक है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो लिख सकते हैं, नहीं अदरवाइज आप इनको इसी फॉर्म के अंदर भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट बनेगा, ठीक है, आपके पास इसको एन का सेट कह लीजिए, या एन सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखना चाहें तो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिख सकते हैं, वो आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझने के अंदर आपकी हेल्प करेंगे, 1, 2, 3, 4, ... क्लियर। एंड बी सेट देखिए आपको क्या दे रहा है, ये बी कह रहा है एक्स टू एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मीन्स 2, 4, 6, ... एंड सी सेट हमें कर रहा है एक्स टू एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, मीन्स 1, 3, 5, 7, ... क्लियर। एंड डी आपके पास देखें क्या चीज है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... ये आपके पास प्राइम नंबर का सेट हो गया। अब इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको क्या कह रहा है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहा गया, ए और बी का इंटरसेक्शन, आप चाहें इसमें कोई जरूरी नहीं एलिमेंट के फॉर्म में ही लिखना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये नेचुरल नंबर हो गए, ये सिर्फ इवन नंबर हो गए, तो आपके पास इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, बी, ठीक है। एंड सेकंड देखिए आपके पास इसमें कह रहा है ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन, तो ए में आपके पास ऑल नेचुरल नंबर है, सी में आपके पास सिर्फ ओड नंबर्स हैं, ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, आपका सी सेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थर्ड देखें, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का, ए में आपके सारे नेचुरल नंबर्स हैं, डी में सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ऑब्वियसली डी बनेगा आपके पास, क्लियर।
एंड फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, इसमें हमें क्या कह रहा है, बी और सी का इंटरसेक्शन, मीन्स बी और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स, बी के अंदर ऑल इवन नंबर्स हैं, सी के अंदर आपके पास सारे ओड नंबर्स हैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा आपका, फाई सेट, मीन्स एम्प्टी सेट बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, आपके पास बी, सॉरी फिफ्थ, इसके अंदर हमें किसका कह रहे हैं, बी और डी का इंटरसेक्शन कह रहे हैं, बी में आपके इवन नंबर्स हैं और डी में प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स कॉमन है अकेला टू, क्योंकि टू ऐसा इवन प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट सिक्स पार्ट देखें, इसमें हमें क्या कह रहा है करने के लिए, इसमें हमें सी और डी का इंटरसेक्शन करने के लिए कह रहा है, क्लियर। अब सी और डी के इंटरसेक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, सी में आपके पास सिर्फ ओड नंबर्स हैं, ठीक है, और डी में आपके पास प्राइम नंबर है, इट मीन्स दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो ओड प्राइम नंबर्स हो गए। आप नंबर फॉर्म में लिखना चाहें तो 3, 5, 7, 11, 13 ये आ जाएगा, यहाँ से 2 रह गया हमारे पास, ठीक है, ये फॉर्म में हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो एक्स टू एक्स इज, ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, ये एन ओड प्राइम नंबर, ठीक है, आपके पास आपका आंसर बन जाएगा ये, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं, हमें पूछा है विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिजॉइंट्स, ठीक है, हमें बताना है कि नीचे दिए गए सेट्स में से कौन से डिजॉइंट्स हैं। डिजॉइंट्स जैसे आप क्लियर है, किसी भी दो सेट के अगर इंटरसेक्शन आपके पास फाई है, देन आपके पास, ठीक है, एक्स एंड वाई आर डिजॉइंट सेट्स हो जाएंगे आपकी, ठीक है, मीन्स उनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, क्लियर। एंड अब आपके पास एट्थ का फर्स्ट पार्ट देखें, 1, 2, 3, 4 और आपके साथ एंड क्या लिख रहा है, एक्स टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 4 एंड इक्वल देन 4 एंड लेस देन 6, मीन्स उसके अंदर 4, 5, 6 एलिमेंट्स हो गए, तो दोनों में 4 कॉमन हो गया, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। एंड सेकंड देखेंगे इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, ए ई आई ओ यू कह रहे हैं, मीन्स बावल्स हो गए, सेकंड में आपके पास एंड सी डी ई एफ, दोनों में ई कॉमन हो गया, तो नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। एंड नेक्स्ट थर्ड देखें, हमें कह रहे हैं एक्स टू एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स टू एंड एक्स टू एक्स इज एन ओड इंटीजर, एक में इवन नंबर दे रहा है, एक में ओड नंबर दे रहा है, एक प्रकार से ये मान लीजिए, और दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो सकता, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स बन जाएंगे आपके, क्लियर। आगे देखेंगे हमारे पास, आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 देख रहे हैं, क्योंकि वो काफी छोटे से क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, और बड़ी ही आसानी से जल्दी से हमारे कवर भी हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको क्या कह रहा है, एक्स दे रहा है ए बी सी डी और वाई दे रहा है हमें एफ डी एफ वी डी जी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, आपके पास सबसे पहले हम सेट ही लिख लेते हैं। एक्स के अंदर देखिए आपको कह रहा है ए बी सी डी और वाई के अंदर आपको लिख कर दे रहा है ये क्या चीज, एफ बी डी जी, ये एलिमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या कह रहा है ये, हमें इसके फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई करने के लिए कहा गया, मीन्स एक्स में से वो एलिमेंट माइनस छोड़ देंगे जो बी के इसके अंदर है, वाई के अंदर बी और डी है, तो इनको छोड़कर हमारे पास क्या बचेगा, ए सी, क्लियर। एंड सेकेंड पार्ट के अंदर देखिए हमें क्या करने के लिए कह रहा है, वाई माइनस एक्स, मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, वाई में से वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो एक्स के अंदर है, बी और डी है, तो आपके पास क्या बचेगा, एफ और जी, क्लियर। अब हमें नेक्स्ट में कह रहा है एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, मीन्स इसके अंदर हमें क्या करना होगा, थर्ड पार्ट के अंदर हमें वो एलिमेंट्स लिखने होंगे जो दोनों के अंदर है, इट मीन्स बी और डी, क्लियर, ये आपके पास हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर आपके पास सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड क्यू सेट ऑफ आपके पास रैशनल नंबर, तो हमें क्या कह रहा है ये, आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ, क्योंकि रियल के दो ही पार्ट होते हैं, रैशनल और इरेशनल, तो अगर हम रियल में से रैशनल घटा देंगे तो क्या बचेंगे,
आपके इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बतानी है आपके पास। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स, गलत, दोनों के अंदर 3 कॉमन है तो ये क्या होगी, फॉल्स होगी आपके पास। एंड सेकंड देखेंगे ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी, दोनों में एक कॉमन है सो ये भी क्या होगी आपके पास, फॉल्स होगी, डिसजॉइंट सेट्स लिख रहे हैं इनको ये। एंड थर्ड देखें 2, 6, 10, 14 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स, बिल्कुल सही, एक के अंदर इवन नंबर्स हैं, दूसरे के अंदर ऑड नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये डिसजॉइंट सेट्स बन जाएंगे, बिल्कुल सही लिखे, ट्रू है। एंड फोर्थ में कह रहे हैं आपको 2, 6, 10 और 3, 7, 11, ये भी आपके पास इन्होंने डिसजॉइंट सेट्स लिखा हुआ है, बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब 1.4 का हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने हमने बीच में छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 9 वो रह गया है, उसके अंदर हमें 12 पार्ट्स दे रहा है आपको ये करने के लिए। उसमें भी हमें पहले क्वेश्चनों की तरह आपको 4 सेट दे रहा है ये, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 9 के अंदर आपको सेट ए दे रहा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड बी दे रहा है 4, 8 आपके पास, ऐसे ही आपको सी दे रहा है और ऐसे ही आपके पास हमें डी दे रहा है ये, ठीक है, तो उन सेट्स को लिखते हैं हम कि क्या कह रहे हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 इसका ए सेट देखेंगे, इसके एलिमेंट लिखेंगे, ए में कह रहा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, क्लियर। एंड बी सेट के अंदर हमें एलिमेंट्स दे रहा है ये 4, 8, 12, 16, 20, क्लियर, और उसके बाद सी के अंदर हमें एलिमेंट दे रहा है ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, क्लियर, उसके बाद डी के अंदर एलिमेंट दे रहा है हमें 5, 10, 15, 20, क्लियर। हमें कह रहा है फाइंड, आपको 12 पार्ट्स दिए गए, 12 के 12 पार्ट्स में आपको डिफरेंस करने के लिए कहा गया, डिफरेंस में आप जानते हैं जिसमें से भी आपको डिफरेंस करने के लिए कहा गया, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें कहा गया ए माइनस बी फाइंड आउट करें, इट मींस हमें करना क्या होगा, ए में से वो एलिमेंट छोड़ने होंगे जो बी के अंदर है, 3 नहीं है उसके अंदर, क्लियर, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है छोड़ देंगे, 15, 18, 21, ये आपका ए डिफरेंस भी आ गया। ऐसे सेकेंड पार्ट देखिए इसका, इसमें हमें क्या कह रहा है, ए माइनस सी करें, क्लियर, ए में से सी माइनस करने के लिए कहा, ए में से सी माइनस करना है तो देखें 3 इसमें नहीं है, 6 है छोड़ दिया, 9 नहीं है, 12 है छोड़ देंगे, 15, 18, 21, ये आपके पास आंसर बन जाएगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पार्ट, इसके अंदर हमें करने के लिए क्या कह रहा है, ए माइनस डी, एंड फोर्थ पार्ट के अंदर हमें कह रहा है बी माइनस ए, ठीक है, ए माइनस डी, ए में से डी वाले एलिमेंट छोड़ देने, हमें 3 नहीं है उसके अंदर, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है तो 15 छोड़ देंगे, 18 और 21, क्लियर, ये आपके पास एलिमेंट्स बन जाएंगे। एंड नेक्स्ट फोर्थ में बी माइनस ए, बी में से ए के वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो ए के अंदर है, 4 नहीं है, बाकी को लिखते चलाएंगे, 4, 8, 12 है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 16, 20, क्लियर। ऐसे ही अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, वो देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपको दे रहे हैं सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस, मतलब सी में से एलिमेंट छोड़ रहे हैं जो ए के अंदर है, 2 नहीं है उसके अंदर, 4 नहीं है, 6 है छोड़ देंगे, 8, 10, 12 उसके अंदर है छोड़ देंगे, 14 एंड 16। एंड नेक्स्ट सिक्स पार्ट देखेंगे, हमें कह रहा है डी माइनस ए, क्लियर, डी माइनस ए मतलब डी में से वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो ए के अंदर है, अकेला 15 है तो उसको छोड़ देंगे, 5, 10 एंड 20। एंड नेक्स्ट आपके पास सेवंथ पार्ट, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, बी माइनस सी, और एट्थ पार्ट के अंदर हमें कह रहा है, ठीक है, अगर हम इनको लिखें बी माइनस डी, एंड नाइन्थ पार्ट के अंदर हमें कह रहा है सी माइनस बी, और टेंथ पार्ट के अंदर हमें कह रहा है डी माइनस
बी, और इलेवेंथ पार्ट के अंदर हमें कह रहा है सी माइनस डी, और ट्वेल्थ के अंदर डी माइनस सी, ठीक है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग देखें, बी माइनस सी आपके सेवंथ पार्ट के अंदर, बी में से सी के एलिमेंट घटाने हैं तो इसमें सिर्फ 12 है कॉमन, ठीक है, सॉरी ये सी घटाने में बी में से तो 12 है, और 8 भी है, 4 भी है, और 16 भी है, तो ये चारों एलिमेंट्स आ गए, आपके पास बचा क्या अकेला 20 बचा, ठीक है। तो इसका आंसर के अंदर क्या आ जाएगा, अकेला 20 आ जाएगा आपके पास एलिमेंट्स, एंड बी में से हमें डी के एलिमेंट घटाने हैं, इसके साथ देखें तो सिर्फ 20 कॉमन है आपके पास, तो ये चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे, इट मीन्स आपके पास नेक्स्ट में 4, 8, 12 एंड 16 ये सारे एलिमेंट्स आपके आ गए। एंड सी माइनस बी, ठीक है, सी में से बी माइनस करना है, सी में से बी माइनस करना है, तो आपके पास देखें 4b कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 12 एंड 16 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या 2, 6, 10 एंड 14, ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे डी माइनस बी, डी में से माइनस बी करना है, तो इसके अंदर आप जानते हैं वही 20 है, तो बचेगा क्या 5, 10 एंड 15, ठीक है, ये एलिमेंट बचेंगे आपके पास। एंड आपके पास सी माइनस डी, सी में से डी के एलिमेंट घटाने हैं, तो इसमें देखिए आपके पास अकेला 10 है जो दोनों के बीच में कॉमन है, तो उसको छोड़ देना है हमने, तो बचे के एलिमेंट आपके पास 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16, क्लियर। उसके बाद आपके पास इसके ट्वेल्थ पार्ट में देखिए आपको क्या कह रहा है, डी माइनस सी कह रहा है, तो डी में से हमें सी घटाना है, तो आप जानते हैं जैसे 10 ही कॉमन है, तो एलिमेंट्स क्या बचे 5, 15 एंड 20 ये आपके पास हो जाएंगे, क्लियर। अभी से एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमने आपके पास यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, और डिफरेंस के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी आपके पास वो कंप्लीमेंट के ऊपर रहेगी, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स, वो आपके पास एक प्रकार से सेट के इस डिफरेंस का ही यूज का ही किया जाता है उसके अंदर, उसमें लेकिन कंप्लीमेंट में क्या किया जाता है, हमेशा ही यूनिवर्सल सेट में से सेट को माइनस किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपने अभी तक मेरा अगर YouTube चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे YouTube चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।